हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल यूनिट स्क्वायर आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल ये पजल सॉल्व करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ही फोकस्ड होकर इस पजल को सॉल्व करने का ट्राई करें सो so, चलिए देखते हैं आज की हमारे नेक्स्ट पजल यहाँ पर एक टीचर है एंड थ्री स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी टीचर ने बोर्ड पर सिक्स वर्ड्स लिखे हैं हेट सन मैक्स सिम कार एंड टेन इन सिक्स वर्ड्स में से एक वर्ड सीक्रेट वर्ड है और वो सीक्रेट वर्ड स्टूडेंट्स को गैस करना है टीचर ने थ्री पेपर्स की चिट बनाई है और चिट में सिक्स में से किसी भी वर्ड का एक लेटर लिखा है फिर एक एक चिट तीनों स्टूडेंट्स को दे दी है फिर टीचर ने स्टूडेंट ए से पूछा कि आपको सीक्रेट वर्ड पता है स्टूडेंट ए ने इमीडिएटली आंसर किया यस आई नो द सीक्रेट वर्ड फिर टीचर ने सेम क्वेश्चन स्टूडेंट बी से पूछा कि क्या आपको पता है सीक्रेट वर्ड क्या है उसने थोड़ा सोचा और फिर आंसर किया यस आई ऑल्सो नो द सीक्रेट वर्ड फिर टीचर ने स्टूडेंट सी से भी सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने कुछ देर सोचने के बाद बोला यस आई ऑल्सो नो द सीक्रेट वर्ड तो आपको ये बताना है कि गिवन सिक्स वर्ड्स में से सीक्रेट वर्ड क्या है अब आप वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं चलिए अब इस पजल को सॉल्व करते हैं यहाँ बोर्ड पर टीचर ने सिक्स वर्ड्स लिखे हैं सिक्स में से कोई एक वर्ड सीक्रेट वर्ड है जो कि स्टूडेंट्स को गैस करना है टीचर ने एक एक चिट तीनों स्टूडेंट्स को दे दी और हर एक चिट में टीचर ने एक एक लेटर लिखा है लेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स को सीक्रेट वर्ड गैस करना है तो जब टीचर ने स्टूडेंट ए से पूछा कि क्या आपको सीक्रेट वर्ड पता है तो उसने तुरंत आंसर किया कि यस सर आई नो द आंसर इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ए को टीचर ने जो चिट दी थी उसमें एक यूनिक लेटर होगा जिससे उसे तुरंत ही सीक्रेट वर्ड का पता चल गया होगा उसके बाद जब टीचर ने स्टूडेंट बी से पूछा कि क्या आपको सीक्रेट वर्ड पता है तो उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला यस सर मुझे पता है तो अब हमें यह देखना है कि स्टूडेंट बी ने कैसे पता लगाया होगा क्योंकि स्टूडेंट बी ने ए का आंसर सुन रखा था कि एक ओ सीक्रेट वर्ड पता है इसका मतलब कि सीक्रेट वर्ड में यूनिक लेटर होगा तो सबसे पहले उसने सारे वर्ड्स में से यूनिक लेटर्स को आइडेंटिफाई किया होगा तो यहाँ पर यूनिक लेटर्स को हम डिफरेंट कलर से हाईलाइट करेंगे हेट में एच सन में ओ मैक्स में एक्स सिम में आई एंड कार में सी एंड आर यूनिक लेटर्स हैं बट टेन में कोई भी यूनिक लेटर नहीं है इसका मतलब टेन तो यूनिक लेटर नहीं हो सकता तो अब सिर्फ फाइव पॉसिबल वर्ड्स हैं जो कि यूनिक लेटर रखते हैं क्योंकि फाइव पॉसिबल वर्ड्स में से स्टूडेंट बी ने सीक्रेट वर्ड का पता कर लिया इसका मतलब ये हुआ कि बी के पास जो चिट है उसमें भी कोई यूनिक लेटर होगा अब रिमेनिंग फाइव वर्ड्स में भी फिर से हम यूनिक लेटर्स देखेंगे हेट में एच एन टी सन में ओ एंड एन मैक्स में एक्स सिम में आई एंड कार में सी एंड आर यूनिक लेटर्स हैं तो हैट सन एंड कार में दो दो यूनिक लेटर्स हैं और मैक्स एंड सिम में सिर्फ एक एक यूनिक लेटर है तो हम मैक्स एंड सिम को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो यूनिक लेटर्स हैं तो अब सीक्रेट वर्ड इन थ्री वर्ड्स में से कोई एक वर्ड होगा जब टीचर ने लास्ट में स्टूडेंट सी से पूछा तो उसने कुछ देर सोचने के बाद आंसर किया कि यस सर मुझे भी आंसर पता है इट मीन्स ही नोज द सीक्रेट वर्ड सो क्योंकि उसने पहले से ए एंड बी के आंसर सुन रखे हैं तो उसको रिमेनिंग थ्री वर्ड्स में सीक्रेट वर्ड पता करना है क्योंकि उसने बोला कि उसे सीक्रेट वर्ड पता है इसका मतलब कि उसकी चिट में भी कोई यूनिक लेटर है तो अब हम रिमेनिंग थ्री वर्ड्स में से फिर से यूनिक लेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे हैट एंड कार में दो दो यूनिक लेटर्स हैं बट सन में थ्री यूनिक लेटर्स हैं इसका मतलब कि सन ही सीक्रेट वर्ड है अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि, कि किस स्टूडेंट की चिट में कौन सा लेटर है सीक्रेट वर्ड है सन सबसे पहले हमें ओ यूनिक लेटर मिला था इसका मतलब स्टूडेंट ए की चिट में ओ लिखा है सेकेंड टाइम हमें एन यूनिक लेटर मिला था इसका मतलब स्टूडेंट बी की चिट में एन लिखा है एंड लास्ट यूनिक लेटर एस था तो स्टूडेंट सी की चिट में एस लेटर लिखा है तो आपने देखा कि कैसे हम एक एक स्टूडेंट के आंसर को एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल यूनिट स्क्वायर को सब्सक्राइब करें थैंक यू